दोस्तों आज सुनते हैं जर्सी नंबर 12 के पीछे की कहानी, जो है 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे युवराज सिंह की, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1981 में हुआ, यानी कि 12 तारीख 12वां महीना 12 सेक्टर पीजीआई दोपहर 12 बजे, यहाँ तक कि उनका वार्ड नंबर भी 12 ही था, जिसके कारण युवराज सिंह ने अपना जर्सी नंबर 12 रखा। लेकिन दोस्तों युवराज सिंह का यही जर्सी नंबर 12 फ्यूचर में आगे जाकर उनको इतना फायदेमंद साबित हुआ कि वो अपने पूरे करियर में किसी भी मैच में 12 रन के नीचे स्कोर पर आउट नहीं हुए। यहाँ तक कि दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई, वो भी उन्होंने 12 गेंदों में ही बनाई थी, और इसी मैच में उन्होंने 6 गेंदों में 6 छक्के भी लगाए थे। 2011 वर्ल्ड कप के बाद कैंसर से पीड़ित रहने के कारण जब उन्होंने अपना इलाज शुरू किया तो वो ठीक भी 2012 में ही हुए, और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी 2012 में ही मिला। यहाँ तक कि दोस्तों खेल सम्मान में दिया जाने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि अर्जुन अवार्ड भी उन्हें 2012 में ही दिया गया। तो दोस्तों ये थी युवराज सिंह के जर्सी नंबर 12 के पीछे की कहानी। लेकिन दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि युवराज सिंह के बारे में एक लाइन में कुछ लिखें, तो आप क्या लिखोगे मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।